$25 के ऊपर बाबर आजम बिक रहा है, $25 के ऊपर रिजवान बिक रहा है, $25 के ऊपर शहीन बिक रहा है। $25 पे बिक गए यार तुम लोग, $25 पे मतलब क्यों, जो पैसे देते हैं फिर उनके बुलाने का अंदाज भी फिर ऐसे ही होता है। तू इधर आना जरा बाबर आजम भाई, तू इधर आना रिजवान, तू इधर आना। अगर $25 की बात है ना, ये लो भाई $1 मेरे पास भी है, मेरे साथ खाली तस्वीर उतरवा लो। विराट कोहली वो प्लेयर है जो आपको पता है इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाने का 25 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करता है, सिर्फ इंस्टाग्राम की एक पोस्ट लगाने का। और पाकिस्तान की पूरी टीम 15 के 15 प्लेयर इतने बड़े नाम, ठीक है, आप वो $25 पे बिक रहे हैं, मतलब बोली उनकी लगा दी कि $25 की, ये औकात दिखा दी कि पाकिस्तान की टीम। एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर जो $25 में उनकी कंट्री के $25 है, हमारी कंट्री के तो $25 बहुत ज्यादा, 7,000 हमारी कंट्री के बन रहे हैं जो कि ज्यादा है। जो उनके स्कूल का बच्चा जाता है वो $100 ले रहा है ना, स्कूल की फीस है, स्कूल वो जेब खर्च ले रहा है अपनी $100। $25 मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कोई 7,000 रुपया बनता है, तो 6-7 हज़ार रुपए की क्या औकात है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। यूएस के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का रेट लगा $25 दो और किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर के साथ बैठ के खाना खाओ, हमारी टीम की ये वैल्यू रह गई है यार। मैं आपको पाकिस्तान की टीम की वैल्यू बताता हूँ, अगर ये बात है ना तो भाई ये लो फिर मेरे से भी आप लोग लो डॉलर, ये लोग रियाल पाउंड वगैरह लो, पाकिस्तान की टीम क्या, बाबर आजम क्या, विराट कोहली क्या, ये सारे प्लेयर ना ये मेरे सामने आ जाओ, ये देखो फॉरेन करेंसी है ना, ये पाकिस्तान की टीम आके मेरे साथ भी बैठ जाए। और यार आप लोग वर्ल्ड कप खेलने गए हो या $25 के ऊपर बिकने गए हो, अगर $25 की बात है ना, ये लो भाई $1 मेरे पास भी है, मेरे साथ खाली तस्वीर उतरवा लो। यार ये लोग क्या करने गए हैं, ये लोग खाबे खाने गए हैं, T20 का मैच खेलने गए हैं, 9 जून का इन लोगों ने क्या हाल करना है, ये लोग तो उससे पहले ही मोटे हो जाएंगे। यार ये इतनी जलालत वाली बात है ना कि $25 के पीछे पाकिस्तान की टीम क्या, पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बेच दिया यार। ये $25 वाली बात सुनने के नहीं यकीन करें, मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया है कि यार हमारी पाकिस्तानी टीम की ये औकात रह गई है, हमारे पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसी अपने जो है वो गली मोहल्ले की टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे भाई। अगर वो इस तरह की कोई घटिया हरकत करते हैं तो इट्स मीन कि भैया पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर जाके, और ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान मजाक नहीं बना रहा, हमारा इंडिया मजाक बना रहा है, और वहां पर जो अमेरिका के अंदर लोग जो इनसे सेल्फियां ले रहे होंगे वो क्या कह रहे होंगे, इनकी क्या औकात है यार। $25 पे बिक गए यार तुम लोग, $25 पे मतलब क्यों, जो पैसे देते हैं फिर उनके बुलाने का अंदाज भी फिर ऐसे ही होता है। तू इधर आना जरा बाबर आजम भाई, तू इधर आना रिजवान, तू इधर आना यार, तू मतलब पैसे पे किए, पैसे किए तो मेरे साथ आ जरा तस्वीर उतार, मेरे साथ आ खाना खा, मतलब कि यार हेल है यार, यकीन करें हेल। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर यार, $25 ये तो मरीजों से मिलने वाली बात होगी ना, $25 में आजकल क्या आता है बताए ना मुझे, $25 में आजकल तो कुछ आता नहीं, वो भी एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर के $25 आपने रेट लगाया, बंदा पूछे कि बस समझ से बाहर होगी बात, $25 की बात आप कर रहे हैं। ये देखें ये मुझसे ले ले $1000 और मुझसे आके मिले एक एक बंदा, ठीक है मैं उनको दूंगा $1000, ये $25 वाली क्या कौन सी बात आ गई, हमारी टीम की इतनी छोटी वैल्यू हो गई है यार, बहुत ज्यादा $25। मैं कहता हूँ किसी आम बंदे को कहेगा ना वो नहीं मानेगा कि मैं $25 में आपसे मिलना चाहूंगा। एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर जो $25 में उनकी कंट्री के $25 है, हमारी कंट्री के तो $25 बहुत ज्यादा, 7,000 हमारी कंट्री के बन रहे हैं जो कि ज्यादा है, उनकी कंट्री के तो $25 क्या, जो उनके स्कूल का बच्चा जाता है वो $100 ले रहा है ना, स्कूल की फीस है, स्कूल वो जेब खर्च ले रहा है अपनी $100। और हम अपने प्लेयर की कितनी वैल्यू गिरा रहे हैं वहाँ पे, बस अल्लाह हाफिज कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, और प्लेयर का भी बस पैसे ले रहे हैं $25 उनके। फिर इतने किसी इंडियन प्लेयर के नहीं लगे, किसी बांग्लादेशी प्लेयर के नहीं लगे, प्लेयर वो अपना लेवल उन्होंने बनाया, ये हमारी गवर्नमेंट उनसे पूछे ना कि $25 ये, यहाँ तो उन्होंने कहा कि जाके $25 में जाके बिक जाओ, वो भी उनकी करेंसी के, जिनके बच्चों का डेली का अखराजात नहीं $25 होता, $100-$200 होता उनका। यार सीधी सी बात है, ये पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, जो एक्स क्रिकेटर है, वो बड़े इस चीज़ को लेकर ना बड़े ज़्यादा गुस्से में मुझे नज़र आ रहे हैं। वह उनके ट्वीट पढ़ा था, पाकिस्तान के राशिद लतीफ़ है, उन्होंने बयान दिया है कि यार ये चिंदी चोरी करने गए हैं, ये क्या वहाँ पर जाके मैच खेलने के लिए गया, कि ये ड्रामेबाजी करने के लिए गया। एक टीम पाकिस्तान जिसका पूरी दुनिया में नाम है, प्लेयर्स मशहूर बाबर आजम, रिजवान, ठीक है, अमर, ये ऐसे ऐसे प्लेयर है, ये लेजेंड है, ये इतने बड़े बड़े नाम है, और वहाँ पर जाके ये $25 के लिए ये बिक रहे हैं, इनकी यानी कि बोलियाँ लग रही हैं, $25 दो और आगे या सामने खड़े हो जो हमारे साथ कहते ना तस्वीरें उतराओ, ये हालात है पाकिस्तानी टीम का, कर दिया गया ये करने वाला को, ये पाकिस्तान के बोर्ड जो है इसको इस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, इवेंट इन ग्रीन के नाम से एक इवेंट करवाया गया, एक होटल के नाम से एक, वहाँ पर जाके पाकिस्तानी टीम को बिठाया गया, खाना खिलाया गया, वहाँ का जो स्टाफ है वो तस्वीरें उतरवा रहा है, और लोगों को कहा जा रहा है $25 दो बाबर आजम आगे तस्वीर उतराओ, बाबर आजम कहते इसके साथ तस्वीर उतराओ, शहीन इसके साथ तस्वीर उतराओ, ऐसे तस्वीर उतराओ, ये पाकिस्तानी टीम की इस टाइम सिचुएशन हो गई, मतलब इतनी इतनी बुरी हालत पाकिस्तानी टीम की कर दी गई इन्होंने।
ये पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई है, वहाँ पर अपनी इज्जत बनाने के लिए गई है, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के प्लेयर, और ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी 7,000 रुपए के अंदर बिक गए हैं यार, 7,000 के अंदर तो कोई मुझे कहे ना कि अगर मैं कोई प्लेयर हूँ, मुझे कोई कहता कि यार मेरा जमीन मर जाएगा यार, मैं तो बड़ा स्टार हूँ कि ये मुझे 7,000 के अंदर खरीदने आया। यही हिसाब हो गया कि भाई मैंने तेरे पे 7,000 लगाया, उठ टेबल से खाना ना खा नाच, ये क्या? बिल्कुल बड़ी भाई, वाली बात है। ये बहुत बड़ी जलालत वाली बात है। मैंने कभी नहीं सुना कि यार किसी ने इंडिया की टीम को, बेशक विराट कोहली बहुत बड़ा नाम, विराट कोहली छोड़ो, संजू सैमसन जैसे किसी प्लेयर को नहीं मैंने, किसी इंडिया के अंडर 19 टीम का भी मैंने सुना होगा यार, $25 में टीम बिकने वाली है। विराट कोहली वो प्लेयर है जो आपको पता है इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाने का 25-30 करोड़ रुपए चार्ज करता है, सिर्फ इंस्टाग्राम की एक पोस्ट लगा देगा, और पाकिस्तान की पूरी टीम 15 के 15 प्लेयर इतने बड़े नाम, ठीक है, आप वो $25 पे बिक रहे हैं, मतलब बोली उनकी लगा दी कि $25 की, ये औकात दिखा दी कि पाकिस्तानी टीम की, ये पाकिस्तानी टीम की के मुंह पे तमाचा है और जलालत है। इंडियंस मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स का, बड़े बड़े यार यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम ये है कि इनकी ये फर्द है कि $25 के ऊपर बाबर आजम बिक रहा है, $25 के ऊपर रिजवान बिक रहा है, $25 के ऊपर शहीन बिक रहा है, खत्म होते यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं खत्म होते भाई, ऑडी ट्रॉन से नीचे कोई बात नहीं कर रहा, फॉर्च्यूनर लेजेंडर से नीचे कोई बात नहीं करता, और वहां पे $25 पे बिक रहे हैं। और यार क्या औकात है $25 की? यहाँ पे आपकी आवाम यहाँ पे 4,500 के फोन लेके आपको कहती है कि भाई हमारे साथ एक तस्वीर लगा लो, उनके आगे आपके गार्ड आपके भाई आगे हाथ साइड में करके कहता है कि भाई टाइम नहीं है, वहां पे आप $25 के पीछे बिक गए हो, मतलब कि डॉलर की अहमियत यह हमारी पाकिस्तान जैसी घटिया कौम ही बता सकती है। मैंने कभी नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर, नामीबिया के भी प्लेयर, पापुआ के प्लेयर नहीं कभी $25 में बिके होने, और भाई कोई भी नहीं बिकता जितने पाकिस्तानी बिक जाते हैं। पैसों की गेम है भाई पाकिस्तानी आवाम के सामने। पाकिस्तान में इवन हम लाखों पे करने को भी तैयार होते हैं, हमें बाबर मिल जाए, रिजवान मिल जाए, पर यहाँ पे नहीं मिलते, अपने मुल्क में जो मर्जी। अब तो मुझे ये शक होने लग पड़ा कि इनके पास जो जो गाड़ियां हैं इन्होंने कहीं $25 देकर ना तो नहीं खरीदी हुई है, जो बाबर आजम जो है ईट्रॉन कभी खरीदता कभी कौन से खरीदता, भाई खुदा का नाम है यार, पैसों की जात से निकलो, अपने पाकिस्तानी टीम के लिए खेलो, तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुमने 17 यहाँ पे लगाया अपने पाकिस्तानी टीम का, ये सिर्फ तुम्हारे इधर दिल पे लगा हुआ है ना, तो हमारे भी दिलों पे ये चीज लगी हुई है, हमारे अंदर भी जो है वो पाकिस्तानियत है, और तुम अगर ऐसी हरकतें करोगे तो हम जो है अगर बाहर की दुनिया में जाएंगे तो हमारी क्या औकात रहेगी पाकिस्तान की, खुदा का खौफ करो यार, तो ऐसी हरकतें ना करो। जिसने कहा है ना कि भाई तुम ये $25 ले लो, तुमने कहना था ये मेरे $100 लो, मुंह पे मारो उनके ऊपर के भाई हमने $25 नहीं लेने हैं, तुम लो ये $100 और मेरी जान छोड़ दो, ऐसी हरकतें करके यार खुदा की कसम से हमारे पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, तो भाई शर्म वाली बात है यार। ये जो न्यूज़ है ये तो मैंने सोशल मीडिया पे तो नहीं खुद देखी, आप ही अभी मुझे बता रहे हैं, और मेरा फर्स्ट जो एक थॉट आया दिमाग में वो यही है कि ये बुलशिट है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप $25, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कोई 7,000 रुपया बनता है, तो 6-7,000 रुपये की क्या औकात है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, फिर हमारा पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्लेयर तो वैसे ही जो दुनिया में बड़ी टीम्स हैं उनमें से हमारी एक बड़ी टीम है, तो हमारे प्लेयर्स मेरा नहीं ख्याल जी, मैं ये फजूल सी एक बात किसी ने छोड़ी है और उसको लेके बस सारे इसको चला रहे हैं। तो देखिए अगर हो भी तो सकते हैं ना, $25 पे करो साथ खाना खाओ, जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं न्यूज़ चल रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया के सोर्सेज जो हैं वो कोई ऑथेंटिक सोर्सेज तो होते नहीं हैं, ठीक है, या तो कोई बड़ी न्यूज़ एजेंसी कोई CNN रूटर्स वगैरह कोई इसको कवर करे ना कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर चलो हम उसको सीरियस भी लें। सोशल मीडिया पे तो सुबह के टाइम किसी की बीवी, शाम के टाइम वही किसी और की बीवी बना देते हैं, तो सोशल मीडिया पे तो बिलीव करने वाला इंडियन मीडिया बड़ी तनकीद कर रहा है हमारी टीम पे कि हमारी टीम इतने सस्ते में बिक गई है। इंडियन मीडिया तो इंडियन वो मीडिया नहीं है, वो बॉलीवुड मीडिया, उनकी जो न्यूज़ है वो अगर आप सुनने बैठो ना तो आपको लगता है कि आप वो कोई मूवी देख रहे हो उनकी, उनके जितने वो सीनियर एंकर हैं बड़े नामवर हैं सारे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम देयर डेवलपमेंट और जितना वो आगे जा चुके हैं उनका मीडिया बहुत कंट्रोल्ड है। मैं यूँ नहीं कहूँगा, ज़ाहिर है जो बंदा झूठ बोल रहा है आके इतना वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है उसको पता होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली मैनेज किया हुआ सारा उन्होंने, और वो बिल्कुल तस्वीर का जो असल रुख है उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है उनसे। सर 9 जून की क्या तैयारी है पाकिस्तान इंडिया के मैच की, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? यार हिस्ट्री देखो तो इंडिया जी और फिटनेस का भी देखें तो वो भी इंडिया ही लगती है कि हमें देखें क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए, बीइंग पाकिस्तानी हम ख्वाहिश तो सभी की होती है कि पाकिस्तान हर फील्ड में आगे जाए, लेकिन अगर क्रिकेट को देखा जाए तो क्रिकेट इस टाइम इंडिया की पाकिस्तान से बहुत अच्छी है।